इस क्लास में बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस के बारे में। तो इस क्लास में जो बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है टॉपिक का, थोड़ा सा उसको पहले क्या करते हैं, वेटेज के हिसाब से चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे होना चाहिए था और उन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले उन्होंने बात किया हुआ है फंक्शन के मैपिंग के बारे में, मतलब उन्होंने पहले बात किया हुआ है फंक्शन के बारे में। आप और आगे बढ़ोगे तो उन्होंने बात किया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। ठीक है, जो टॉपिक इसके मुकाबले तो कम वेटेज का है, तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर उन्होंने आगे बात किया हुआ है सेट के बारे में। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ने से पहले आपको सेट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वो टॉपिक का बाद में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या उन्होंने दिया हुआ है, फिर उन्होंने आगे चल के रिलेशन का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिलेशन का जो टॉपिक होता है वो सेट पढ़ने के तो बाद आता है, सही बात है, उन्होंने यहाँ पे सही किया हुआ है, उन्होंने रिलेशन को यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ोगे तो आपने उन्होंने क्या कंपोजिट फंक्शन और क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर हम क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जो जितने भी टाइप के रिलेशन होते हैं क्लास 12th में हमने पढ़ा था, उन्हीं सब की बात उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो देखो उन्होंने कुछ इस ऑर्डर में अपने सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुक ने ये समझ के आपको ये ऑर्डर दिया है कि आपने 11th 12th में पढ़ाई की है, इसलिए उन्होंने पहले ये दे दिया हुआ है, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे चल दिए है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका लेवल सबसे कम है, मतलब ये पहले पढ़े जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा चलेगा सेट के ऊपर। ठीक है, तो आपने लास्ट क्लास 11th में सेट के बारे में तो पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है, सेट आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब क्या अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कलेक्शन जिसके अंदर आप जब ऑब्जेक्ट को फिल कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके डिफाइंड हो, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करे और क्या अलग अलग हो। जैसे बेसिक एग्जांपल बुक में दिया रहता है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल कौन कौन से होते हैं, तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लो कि वॉवल्स बताओ, तो सभी यही बताएंगे और 5 ही बताएंगे। यहाँ पूछो, चाहे आप अमेरिका में पूछो या पाकिस्तान में पूछो, कहीं भी पूछो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हर जगह सेम आता है तो वो कलेक्शन जो पूछा गया, मतलब जो वो आंसर के अंदर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब जो एलिमेंट ए ई आई ओ यू है उनकी बात चल रही है, वो क्या एक सेट के अंदर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेट का डेफिनेशन पहले बात करते हैं, सेट कैसे डिफाइंड है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो यार जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल दो, कि वॉवल है, वॉवल के अंदर जो एलिमेंट है उनको ए ई आई ओ यू से बोला गया। ठीक है, जो आपके ए ई आई ओ यू क्या है, एक सेट के एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने बात किया वॉवल के बारे में, वैसे एक दो और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड चलता है, आप सभी को मालूम है एक टाइम पीरियड 5 साल का होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ही मान लो, तो उनका जो पीरियड होता है 5 साल का होता है, 5 साल के पहले तो वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो कलेक्शन जो बन सकता है, उनके नाम का कलेक्शन और उनके पोस्ट का कलेक्शन, वो सेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ ये सेट के अंदर आएगा, क्योंकि जो एक टाइम पीरियड की बात चल रही है तो उस टाइम पे 5 साल के अंदर जितने भी मिनिस्टर होंगे वो 5 साल के लिए तो फिक्स होंगे, और उनका काम भी अलग अलग होगा, नाम भी अलग अलग होगा, वो अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे, मतलब वो जो पार्लियामेंट के अंदर में मिनिस्टर्स का हमने कलेक्शन बनाया, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट है, वो क्या सभी अलग अलग है, मिनिस्टर सभी अलग अलग है, और क्या उनका नाम भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग है, मतलब उनका कलेक्शन एक सेट कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे पूछा जाए और क्वेश्चन कि जो आपके इंडिया में जितने भी रिवर बहते हैं उनका कलेक्शन अगर बनाया जाए, उनके नाम का कलेक्शन, उनका कलेक्शन कैसे बेटा बनाओगे, उनको उठा के, ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर उनके नाम का कलेक्शन बनाया जाए तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो एक सेट के अंदर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो हाँ उनका नाम सेट के अंदर लिखा जा सकता है। द गंगा, द यमुना, जितने भी आप ब्रह्मपुत्र जितने भी आपके पास है उनको आप इंडिया कलेक्शन के अंदर रख सकते हो, जो क्या इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या आपका जो इंडिया
में बहने वाले रिवर का कलेक्शन है वो सेट के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो लेटर यफ होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट यफ होता है, क्या वो वॉवल के सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो यफ आपका वॉवल के सेट से बिलोंग नहीं करता, तो वह हम यफ को वॉवल के सेट के अंदर लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज जिसको आप कहीं पे भी पूछो, अगर उसका आंसर सही आ रहा है तो वो कलेक्शन क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं उसी के बारे में। जो आपका सेट होता है उसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं और ए ई आई ओ यू होते हैं। तो जो वॉवेल्स का सेट है अगर उसको हम वी से डिनोट करें, तो जो वी लेटर है वो बड़े में लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, एलिमेंट बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो जो वॉवेल के अंदर आते हैं, उनको हम क्या ऐसे स्मॉल स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और ये जो आपके एलिमेंट हैं इनको ऐसे ब्रैसेस लगा के क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी सेट बना रहे हो तो आपको क्या ये ब्रैसेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना ब्रैसेस के कोई भी सेट कंप्लीट नहीं माने जाते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी सेट के अंदर क्या ब्रैसेस लगाना जरूरी है। तो ये जो आपके अंदर पड़े हुए हैं इनको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट बोल दो, मेंबर बोल दो या एलिमेंट बोल दो। ये क्या है, ए आई ओ यू वॉवल के ऑब्जेक्ट है, वॉवल के मेंबर है या वॉवल के एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं है कि जितने भी आप दुनिया में सेट बना रहे हो वो बन ही जाए। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फेवरेट पर्सन, और किसी भी पर्सन का फेवरेट पर्सन, मेरा फेवरेट पर्सन, आपका, किसी और का फेवरेट पर्सन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही आ जाए। मेरा पूछ जाएगा तो मैं कुछ और नाम बताऊंगा, आप किसी दूसरे का बताओगे, और वो किसी की तीसरे का बताएगा। मतलब ये जो सेट है, जो हम सेट बना रहे हैं कि अलग अलग पर्सन द्वारा जो उनके फेवरेट पर्सन है, क्या वो उनका कलेक्शन सेट के अंदर आ सकता है, तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि ये बात सबसे क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। इसका आंसर हर पर्सन से क्या अलग अलग आ रहा है। एक और क्वेश्चन बात करें, जैसे फेवरेट गेम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम तो क्रिकेट बोलेंगे इस टाइम तक, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी क्रिकेट बोले, कोई हॉकी बोलेगा, कोई फुटबॉल बोलेगा, कोई जेवलिन बोलेगा, कोई एथलेटिक्स बोलेगा, सबका अलग अलग है। मतलब ये जो भी आप कलेक्शन बना रहे हो कि अलग अलग पर्सन का जो फेवरेट गेम है, उन गेम का मतलब क्या होगा, वो कलेक्शन मतलब क्या, वो सेट के अंदर आ सकता है, तो वो भी नहीं आ सकता। कि अलग अलग पर्सन का जो फेवरेट गेम है वो भी क्या अलग अलग मतलब वेरी कर रहा, तो वो भी क्या सेट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कलेक्शन जो भी आप बना रहे हो वो सेट बन जाए। ठीक है, तो देखो सेट वही बनेगा जिसका आंसर हर जगह क्या मिले, आपको सेम मिले। ठीक है, कहीं पे भी पूछो आपको हर जगह आंसर सेम मिले। ठीक है, तो देखो ये जो आपके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या वॉवेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हैं इसके अंदर आते हैं, इसको मैथ में क्या एक लेटर मतलब एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसको बोला जाता है एप्साइलन। ठीक है, एप्साइलन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। देखो ये आपका एक सिंबल होता है जिसको एप्साइलन बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि ए जो आपका है वॉवेल के अंदर आता है, तो इसको अगर आपको डिनोट करना है तो आप क्या करो, एक सेकेंड, अगर आपको डिनोट करना है तो आप क्या करो, ये एप्साइलन का सिंबल बीच में लगा दो। ठीक है, कि अब ये क्या मीनिंग बना रहा है, कि ए है क्या है वॉवेल के अंदर आ रहा है, ए बिलोंग्स टू वॉवेल, ए बिलोंग्स टू वॉवेल का सेट। ठीक है, तो देखो अगर हमने बोला कि जो आपका ई है वो वॉवेल सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उसको उसको सही दिखाने के लिए आप क्या करो, एप्सिलॉन का सिंबल लगा दो बीच में, जिससे क्या ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ आपका ई वॉवेल सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे यहीं पे एक बार और क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए, क्या यफ वॉवेल के सेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वॉवेल सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यह आपका यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे वहां पे एक ये दूसरा साइन बना देना। ठीक है, एप्सिलॉन का साइन बनाने के बाद उस पे हल्का सा काट देना, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो ये बस एप्सिलॉन का जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है ना, वो बस क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर से, ये जो एलिमेंट है
इसके अंदर जो आ रहे हैं वो इसके अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, या इसके अंदर रैंडमली कोई एक और नंबर बढ़ा दिया जाए आपके आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्या बोलते हैं, जी यस कर दिया जाए और ये पूछा जाए कि यस ये सेट सही है या नहीं है, क्या जी आपके वॉवल्स के सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, यस आपके वॉवल्स को सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो ये दोनों नहीं करते तो आप क्या करोगे, इनको यहाँ से हटा दोगे, ठीक है, इनका बस क्या करना इनका बस क्या काम है, कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, इनको नोट करो, बात करते हैं जो आपके हमारे पास, नोट करो पहले, हो गया। तो देखो अब बात करते हैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है या रियल नंबर का सेट होता है, सेट मतलब कलेक्शन जो होता है उसको हम एक पार्टिकुलर इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो आपको कहीं पे क्वेश्चन मिल गया कि आप क्या करो नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे वन से लेके इन्फिनिटी तक लिखते जाओगे, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है क्या है, आप जो वो सिंबल जो जो आप सेट बना रहे हो उसको एक सिंबल से क्या कर दो, डिनोट कर दो, और वो जो सिंबल होता है वो ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में जहाँ पे भी मैथ पढ़ा जाता है हर जगह वही यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के सेट के बारे में तो उसको कैपिटल यन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर आप कैपिटल यन लिख देते हो तो वो कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर हो वो यही समझेगा कि वो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो आपके पास अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको कैपिटल यन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल यन क्या है, कैपिटल यन इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब क्या सिंपली लिख दो यन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यन क्या है, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास कहीं पर लिखा दिख रहा है आर, कैपिटल आर, तो आर का मतलब क्या होता है, ये आपको आपका रियल नंबर्स के सेट को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। तो आर का मतलब क्या, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, कहीं पे आर प्लस दिख रहा है आपको दिखा तो ये क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो आर प्लस मतलब क्या, इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, कहीं भी आपको जेड दिख रहा है या आई दिख रहा है तो ये क्या इंटीजर्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इंटीजर्स मतलब क्या, ये जो इंटीजर्स आपका होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ये सभी पॉजिटिव हो जा सकते हैं, और क्या -1, -2, -3 ये सभी भी क्या माइनस निगेटिव में क्या इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये जो कलेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का कलेक्शन, तो इसको सिंपली आप जेड या आई से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका होल नंबर होता है जिसको आप 0, 1, 2, 3 ऐसे क्या आगे तक लेके जाते हो, इसको सिंपली आप आज से क्या करोगे, डब्ल्यू से डिनोट करोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जो क्या आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका एक और बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली आप सी से डिनोट करते हो, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हो। सी क्या डिनोट करता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एलिमेंट आते हैं उनको डिनोट करता है। ये सी वाला सिंपल जनरली तो यूज नहीं होता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सेट के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट रियल नंबर के ऊपर ही चलता है, ठीक है। तो इनको नोट कर लो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ जो आपका सॉरी टाइप्स नहीं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, जो आपका सेट होता है उसको दो अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहले इनको नोट करो, बात करते हैं उसके बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं, हमको अब क्या देखना है, जो आपका सेट है उसको अलग अलग वे में लिखने का तरीका, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीका होता है, हमने क्या बोला, पहला बोला था टेबुलर फॉर्म, तो आप बोलो पहले फॉर्म के बारे में, टेबुलर, बाबा की जय, टेबुलर फॉर्म, या जिसको आप बोला जाता जिसको एक और नाम से बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो देखो हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसको क्या करेंगे हम दोनों फॉर्म टेबुलर फॉर्म या जो हमने दूसरा बोला था सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों से क्या करेंगे लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला वही क्वेश्चन लिख लेते हैं वॉवेल का, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। और दूसरा ले लेते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इस बार, हाँ, जो मीनिंग एक और क्वेश्चन ले लो आप, द लेटर्स ऑफ द
वर्ड एलिफेंट, एलिफेंट सबको सबको हमने क्या किया है, कैपिटल से लिखा है, आप स्मॉल से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो देखो, को जो आपका टेबुलर फॉर्म होता है उसके अंदर जो आपका सेट होता है उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को दिखाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को दिखाया जाता है और हर अलग अलग एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाया जाता है और पूरे जो सेट है उसको ब्रेसेस से बंद किया जाता है। तो कुछ टाइम पहले जो हमने वॉवेल्स का कलेक्शन बनाया था उसके अंदर हर जगह हमने कॉमा लगाया था और जो ब्रेसेस से बंद किया था वो जो कलेक्शन क्या था, वो आपके सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ही तरीका था, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्या लिखा है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टेबलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर डिनोट करेंगे। तो वॉवेल मतलब कैपिटल बी से लिखेंगे सेट को, उसके अंदर के एलिमेंट को कैसे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए ई आई ओ यू और क्या, सभी के बीच में कॉमा लगाएंगे और इनको क्या ऐसे ब्रेसेस से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपको सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। दूसरा हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेंडमली कोई एक ए सेट नाम दे देते हैं क्योंकि हमको लिखा नेचुरल नंबर की बात चल रही है ना, तो ये लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक लिखना पड़ेगा और सभी के बीच में कॉमा और ब्रेसेस लगा के बंद करना पड़ेगा। तीसरा हमारे पास है द लेटर ऑफ वर्ड एलिफेंट, ठीक है। तो हम इसको रैंडमली कोई क्यू सेट मान लेते हैं क्योंकि हमने कोई एलिफेंट एक वर्ड वर्ड है ना। तो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सभी क्या लिखोगे, आप एलिमेंट लिखोगे, सभी एलिमेंट्स को लिखोगे अलग अलग करके और सभी के बीच में क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो ई एल ई पी और क्या एच और क्या ए और क्या एन और क्या टी, ये मिल गया हमको। लेकिन ये जो हमने लास्ट वाला बनाया है इसके अंदर एक फॉल्ट है, जो आपका रोस्टर फॉर्म है वो ये बात बोलता है कि आप सभी एलिमेंट्स को तो लिखो, सभी के बीच में भी कॉमा कॉमा भी लगा, वो भी सही बात है, लेकिन अगर कहीं पे रिपीटेड वर्ड आपको मिल रहे हैं तो रिपीटेड वर्ड को आप क्या कर दो, हटा दो। मतलब क्या, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखो, ठीक है। तो देखो ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कर दो, आप हटा दो, ई को आप एक ही बार लिखो, ठीक है। और सभी एक ही बार है ना, ई एक ही बार है, एल एक ही बार, पी ठीक है, एच ए एन टी। तो देखो हमने क्या किया, आपके एलिफेंट को सिर्फ इतने से डिनोट किया, ठीक है। शेड्यूल्ड सॉरी जो आपका रोस्टर फॉर्म है ये वो सिंपल सा बोलता है कि आपके एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको एक ही बार लिखो, अगर 3 बार रिपीट हो रहे हैं फिर भी आप एक ही बार लिखो, ठीक है। और जो आपने ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ई एल ई पी एच ए एन टी, हमने मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, और ए ई आई ओ यू ये भी क्या एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है। तो आप रोस्टर फॉर्म के अंदर सीक्वेंस से रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, ठीक है। जो आपका वॉवेल का सेट है उसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ई आई ए ओ यू, ये भी आपका सही है, सीक्वेंस रोस्टर फॉर्म के अंदर जरूरी नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, 8 को यहाँ से उठा के यहाँ पे बना सकते हो और 2 को वहां कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यल को यहाँ से उठा के यहाँ कर सकते हो और यच को यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल्ड सॉरी रोस्टर फॉर्म सिर्फ इतना बोलता है कि इसके अंदर आप क्या करो, अपने एलिमेंट्स को शो करो, सभी के बीच में क्या करो, कॉमा लगाओ और उनको ब्रेसेस के अंदर बंद करो, और कहीं पे अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको क्या कर दो, बस हटा दो, बस इतना ही। जब आप कर दोगे तो वो सेट क्या रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो क्या कोड के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और वो कोड ऐसा होता है जिससे क्या, वो जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं वो क्या है, कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करेंगे, और वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो कोई भी एलिमेंट सेट को छोड़ के अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट लें तो वो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। जैसे कोड क्या होता है, जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, बॉयज लोग हमेशा कोड में बात करते हैं जिससे कोई जैसे कोई पकड़ ना ले, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं इसी के बारे में, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले आप ऐसे स्टार्ट करना, ठीक है। यक्स लिखना, यक्स क्या एक एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। आप यक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी,
ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे। ये क्या एलिमेंट को डिनोट करेगा, या फिर क्या ऐसे ये दो क्या बनाना है, डॉट बनाना। ये जो डॉट है आपका, ये क्या कोलोन का साइन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इज सच दैट। इसका मतलब क्या होता है, इज सच दैट। तो आप क्या लिखना पहले, यक्स इज सच दैट, यक्स यक्स इस तरह से है कि जो आपका यक्स है वो क्या इज अ वॉवल, क्या है, एक वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप सभी पूरा लिख लेना वर्ड, ठीक है, अल्फा बेट, ठीक है। यक्स इस तरह से है, यक्स आपका इस तरह से है कि जो आपका यक्स है वो एक इंग्लिश, जो आपका यक्स है वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवल है। और फिर क्या करना, इस पूरे को ऐसे ब्रेसेस लगा के बंद कर देना, ठीक है, और क्या बाहर क्या जो साइन होता है वॉवल का वो लिख देना, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर आएगा ए ई आई ओ यू। हमने क्या जो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा था वो क्या लिखा था, वो रोस्टर फॉर्म के अंदर ए ई आई ओ यू लिखा था, ठीक है। तो हमने ये सेट फॉर्म के अंदर कैसे लिख दिया, यक्स इज सच दैट, यक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट। यक्स इस तरह से है कि जो आपका यक्स है वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवल है। ये यक्स यक्स मतलब क्या, ये अल्फाबेट वाला नहीं, यक्स यक्स कोई रेंडमली एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। आप यक्स की जगह वाई भी ले सकते हो, ठीक है, कि वाई इज सच दैट वाई इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसके अंदर जितने भी जो भी एलिमेंट आने वाले हैं वो यही रहने वाले हैं, और कोई भी बाहर से एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वॉवल वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। ये जो स्टार्टिंग वाला होता है एलिमेंट, जो आपने वाई लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट करता है, एलिमेंट को डिनोट करता है। तो वाई क्या डिनोट कर रहा है, एलिमेंट, कि वाई इस तरह से है कि जो आपका वाई है, और ये जो बाद वाला एलिमेंट होता है ये क्या आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, कि वाई इस तरह से है कि वो क्या है, वॉवल है। ये क्या बताता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो एक सेकेंड हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो बात करते हैं सेकंड के बारे में, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले हमने जो आपका सेट सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखा था उसको लिख लेते हैं। हमने 1 से लेके 9 तक लिख लिया था, ठीक है। तो जो आप सेट बोल्डर फॉर्म के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सेट तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और कोलोन तो सॉरी ब्रेसेस तो वैसे ही बनने वाले, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, एबीसी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यक्स इज सच दैट, यक्स यक्स एलिमेंट डिनोट करता है, यक्स ये वाला यक्स अब क्या डिनोट करेगा, प्रॉपर्टी डिनोट करेगा, ठीक है। यक्स इज सच दैट, यक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस लेस देन 10। अब ये क्या बन गया, अगर हमने ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया तो ये एक सेट बन गया, जो क्या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा गया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर था, नेचुरल नंबर लेस देन 10 को हमने ऐसे डिनोट कर दिया था। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अंदर क्या वैसे डिनोट करते हैं, हम कोट में डिनोट करते हैं। मतलब क्या, ये क्या ये आपका एलिमेंट के बारे में बताएगा। यक्स मतलब क्या, यक्स आपका किस तरह से चेंज होगा, कि जो आपका यक्स है वो 10 से छोटा वाला नेचुरल नंबर हो। तो इसको आप ओपन करोगे तो यही लिखोगे, यक्स की जगह 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा, 10 इसके अंदर नहीं आ सकता। 10 इज सच दैट 10, अगर आप लिखना भी चाहो तो, अगर हमने 10 यहाँ पे मान लो रख दिया, तो 10 इज सच दैट 10, यक्स का वैल्यू जो आप 10 ले लिए, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। 9 लोगे तो 9 इज सच दैट 9 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप के बारे में। क्या बोला था हमने, यक्स इज सच दैट, यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। सेकेंड टाइप है, सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में, इसको नोट करो। बात करते हैं थर्ड के बारे में, ठीक है। थर्ड में क्या है, द लेटर ऑफ द वर्ड एलिफेंट, इसको हमने क्या करना है, अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रखना है, ठीक है। तो हमने जो आपका रोस्टर फॉर्म बनाया था तो उसके अंदर क्या बनाया था, हमने इसको क्यू से साथ बनाया था, हाँ चलो क्यू से बनाया था। तो उसके अंदर क्या क्या आया था, ई एल ई तो हट गया था, PH AN और T आया था, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, वही पहले सेट को बड़े से डिनोट करोगे,
अंदर कैसे स्टार्ट करोगे, यक्स से स्टार्ट कर लो, उको से सभी स्टार्ट कर लो, इस बार ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए इज सच दैट ए इज अ लेटर ऑफ वर्ड एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, पी एच ए एन टी, इसको क्या कर देना, लास्ट में ब्रैकेट ब्रेसेस से बंद कर देना, तो ये क्या मिल गया आपको, इसका सेट बिल्डर फॉर्म मिल गया। ए इज सच दैट ए, ए इस तरह से है कि जो आपका ए है क्या है, एक लेटर है, ये क्या एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, जो कहाँ से आया है, एलिफेंट वर्ड से आया है। तो जब आप क्या करोगे इसको, जब आप ओपन करोगे तो आपको इसको जब आप ओपन करोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो आपको पूरा एलिफेंट वर्ड मिलने वाला है, और रोस्टर फॉर्म के अंदर रिपीटेड क्वांटिटी को एक बार लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आपको इतना सिर्फ मिल जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, सेट के अंदर लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गया अलग अलग सेट, सॉरी सेट को नहीं, अलग अलग सेट को नहीं, सेट को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका, ठीक है।